सरफेस टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर तक मैं लेके जाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला याद है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh और 1 plus h upon r, ठीक है। जब मैं अर्थ के h हाइट तक ऊपर से किसी बॉडी को लेके जाता हूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ पर कितना चेंज इतना होता है। अगर बहुत पास हो तो h इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है h है वो टू टाइम्स है, टू टाइम्स है मतलब यह आ जाएगा ट्वाइस, इसका मतलब ये हुआ कि टू की वैल्यू रख दोगे तो टू आर, एक बार कर दूँ mgr इज इक्वल टू टू आर दैट इज 1 plus 2r और अपन r, मतलब ये आ जाएगा 2mgr upon 3 दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इक्वल टू 2r, 2mgr upon 3 है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है तो ग्राउंड पे निकालो और फिर हाइट 2h पे निकालो, माइनस करो, फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली u कंसीडर कर लो, h हाइट पर फाइनल कंसीडर कर लो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल, फाइनल इज इक्वल टू gmm और ओवर r प्लस h और इनिशियल माइनस gmm और ये आ जाएगा r, इन दोनों इन सबको सॉल्व कर लोगे इतना ही आएगा, ठीक है। ऐसा किए थे हम लोग कहता।